हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तिल मावा के लड्डू की रेसिपी। आपने तिल गुड़ के लड्डू तो बहुत ही खाए होंगे, एक बार आप इसे ट्राई करिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले अगर आपको तिल मावा के लड्डू अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तिल मावा के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और पैन के गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप तिल। तिल को हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक। तिल जैसे ही थोड़ा भून जाती है तो ये हल्का फूल जाती है, तो बस हमें पता चल जाता है कि तिल हमारी भून गई है। तिल हमारी भून गई है, अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। तिल को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर आप तिल को ज़्यादा भून देंगे तो कड़वा लगेंगे ये खाने में, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे हम तिल को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तिल के ठंडा होने के बाद हम इसे डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। यहाँ पे हम सारा तिल को नहीं डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हम बचा लेंगे साबुत तिल। ये देखिए, हमने तिल को पीस के तैयार कर लिया। हमें इस तरह से तिल को पीस लेना है। ये देखिए, अब ये दोनों को हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं अब मावा फ्राई करने के प्रोसेस में। यहाँ हम सेम पैन में डालेंगे 1 कप मावा। हमने यहाँ ताज़ा मावा का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने इसे ऐसे ही डाल दिया है। अगर आप फ्रिज में रखे हुए मावा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रेट करके डालें। हमें मावा को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, अगर हम मावा को ज़्यादा भून लेंगे तो हमारे लड्डू हार्ड बनेंगे। मावा को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक और मावा का कच्चापन दूर होने तक हम इसे भूनेंगे। मावा हमारे भून गए हैं, अब हम यहाँ पर कर देंगे गैस को बंद और इसे हम निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे पीसी हुई तिल जो हमने अभी पीस के तैयार किए थे। यहाँ पे मैं सारे पीसी हुई तिल डाल देती हूँ और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे भुने हुए साबुत तिल जो हमने बचा के रखे थे। आप चाहें तो तिल को पूरा भी पीस के डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप से थोड़ा कम तगार, इसे बूरा भी बोला जाता है। आप इसके जगह पे शक्कर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको तगार की रेसिपी देखनी है कैसे बनाई जाती है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है मिलने तक। मैं इसे पहले चम्मच से मिक्स करूँगी, फिर मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो मावा था वो हल्का गर्म था, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी बाइंड हो जा रही है। वैसे तिल में भी अपना काफ़ी ऑयल होता है, इसलिए हमें इसमें घी या और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मावा के हल्का गर्म होने के कारण जो बूरा था वो भी अपना पानी छोड़ देगा, हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। अगर जो आपका मावा है वो ठंडा हो जाए या आपको लगे कि इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो रही है तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से लड्डू बन जा रहे हैं। हमें मिश्रण से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से करते हुए हमें लड्डू का शेप दे देना है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं हमारे। मैं आपको और लड्डू बना के दिखा देती हूँ। आप लड्डू छोटा बड़ा अपने मन पसंद से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। तिल मावा के लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी रेसिपी हमारी। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रख के 10 से 12 दिन तक खा सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो आप इसे 3 से 4 दिन बाहर भी रख के खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आप इस तिल मावा के लड्डू को जरूर से ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।